रंग भाव भैया। अरे अरे आओ आओ आओ। अरे बाबू मुझे पार्सल आया बहुत बड़ा। पार्सल? कौन सा पार्सल? ये लेकर है? हमारे घर के लिए आओ आओ। और चप्पल उतारो उतारो। चलो चलो चलो। अरे आ चलिए। क्या लाए भाई? पार्सल? इतना बड़ा? बाबू देखो तो जरा। रखो। बहुत बड़ा है। हाँ? क्या है ये? अरे? क्या है? भाई साहब इसमें है क्या? जी पार्सल को यहाँ तक लाने में रिक्शे के पैसे खर्च हुए। अगर आपसे कुछ मिल जाते। अरे हमसे कैसे मिल जाता? अरे अपने सेठ से जाके मांगो जिसने भेजा है पार्सल वार्सल। हम ना देंगे पैसे है जी। जरा देखिए तो सही है कि ये मैं पचाकू है। जी कट्टी देखी थी मैंने। घरकट्टी? घरकट्टी? घरकट्टी हमारे घर कैसे आ गई? ये तो वही है। ये हमारे घर में घरकट्टी किसने भेजी? मतलब कौन लाए? है भाई? ओ भाई। पर जी अटे क्या कर रही है? ओ भाई जी जरा रुको। अरे बाबा आप लोगों ने गलत फहमी हुई होगी। ये घरकट्टी दायसा के नाम की निकली थी। हाँ भाई साहब ये हमने नहीं मंगवाई। और दायसा का घर जो है ना वो हमारे घर से 5-6 घर आगे ही है। और हाँ उनसे ना मोटी बख्शीश लेना। अपने पीसी का ज्यादा ही रोब चढ़ाती हैं। और वैसे भी इतनी दूर से आए हो ये घरगट्टी लेने के लिए कुछ इनाम विनाम तो होना ही चाहिए ना। खूब तबाह के पीछे मांगना। हाँ जी ये संतोष राठी जी के नाम की है। और ये भाई साहब ने बोला कि संतोष राठी जी यहीं रहती है। मोहित जरा देख तो सही रसीद में किको नाम लिखे हुए। संतोष वो नाम तो तेरा ही लिखा है। बैक गियर में लेके आओ। ये देखिए भाजी लाइसेंस कब तक मिलेगा? लाइसेंस बनेगा तो आपको फोन आ जाएगा। आके कलेक्ट कर लेना। आज संजय जी को बताता हूँ सरप्राइज होता क्या है। हमारा नाम लिखे संतोष जी तो अपने ही घर आ गई। घरगट्टी तो आई है लेकिन बाबा साहब बख्शीश भी तो देनी पड़ेगी। उसका नुकसान तो अलग ही हो गया। अरे इतनी बड़ी घरगट्टी आई उसमें इनाम की क्या बात है। और मीना बिंदड़ी
हमें इतना भी कंजूस को नहीं होना चाहिए। राठी है हम, कंजूस थोड़ी ना है। ले बेटा। जी लो 10 रुपए। नहीं जी, अरे क्यों हुआ, 5-5 रुपए बांट लेना, उसमें क्या झगड़ा करने वाली बात। बाजार में आज तो एक कप चाय भी ना आती 5 रुपए में। पर जे घर कट्टी मंगवाई किसने? कहीं इन्होंने तो जेब भी ना कर दी? माँ की सेवा के नाम पर ये हाथ में कटोरा लिए बिना मानेंगे को नहीं। ट्रैप, मेरी तरफ क्या देख रही है तू? ना, मैं तो ये सोच रही थी कहीं घर घट्टी आपने तो ना मंगवाई भाभो के लिए। हाँ विक्रम, तूने मंगवाई के? भाभो, वैसे तो मैंने कभी कोई कमी नहीं की घर में सामान वामान लाने की। जेब में तंगी ना होती तो जरूर ले आता मैं, पर ये मैं ना लाया। संतोष, मने पता चल गया है ये घरघट्टी किसने मंगवाई है। कौन लाया है? थारे सबसे छोटे सपूत ने मंगवाई, मोहित ने। मोहित? अरे वाह छोटे, हैं तूने तो बताया नहीं, तू सबसे आगे निकल गया आज। पर तेरे को तो फिर बैंक की तरफ से 10% छूट भी मिली होगी। छोरा, ये सब करने की क्या जरूरत है? अभी तो इमली बेनी की दुकान भी ढंग से शुरू ना हुई है। अबो, ये घर का टी मैंने नहीं मंगवाई। पर अगर तू नहीं लेके आया तो फिर कौन लेके आया? मैं बताती हूँ ये घर का टी कौन लाया है। कौन? घर के लिए इतना सोचने वाले रामचंद्र जी इस घर के बड़े लाडले सूरज साहब लेके आए होंगे। सूरज साहब अपने भाभो के मन की बात सबसे पहले पहचानते हैं। भाभो, आपको ये घरघट्टी बड़ी पसंद आई थी ना भाभो, बस इसीलिए सूरज साहब ने मंगवाई होगी। सूरज साहब, मीठा मीठा चौंका दिया भाभो को। चौंका दिया मतलब? ऐसा क्या किया मैंने? इन्हें कैसे पता चला कि मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया? जरूर छोटू ने बताया होगा, उसके पेट में कोई बात आज तक टिकी कहाँ है। बर्बाद आज तो छोरा, जे घर खट्टी तू लेकर आए हुए ना, ये घाटी मैंने नहीं मंगवाई। मैं जानू हूं कि हमारे घर का आटा तो गोल प्याऊ में गोपाल जी की चक्की के यहाँ पीसता है, तो भला मैं क्यों मंगवाऊं ये? सूरज सा, आपने नहीं मंगवाई? आपने नहीं मंगवाई, विक्रम सा ने नहीं मंगवाई, मोहित सा ने भी नहीं मंगवाई, तो फिर ये घरघट्टी मंगवाई किसने? जिठानी जी आ गई। जिठानी जी आइए जरा, देखिए घर में गर्मा गर्म केस है आपके लिए तैयार। बिल्कुल देखिए घर में क्या हो गया है। ये देखिए जिठानी जी, घर में आई है घर घट्टी, वो भी संतोष राठी के नाम से। अरे अब आप ही पता करिए कि किसने ये भेजी है हमारे घर पे। मीनाक्षी, आज तो तुमने चोरी पकड़ने की जिम्मेदारी चोर को ही सौंप दी। जी के अलावा और कौन ला सके है? दरअसल आज ही मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली है। तो मैंने सोचा कि मैं
सबके लिए तोहफे ले लूं। तोहफा? कल मैंने देखा था कि भाभा को ये घरघट्टी बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं ये घरघट्टी ही ले आई। जिठानी जी, पूरा को नहीं मानो, पर क्या आप सिर्फ भाभो के लिए तोहफा लाई हो, हमारे लिए कौन ही लाई के? जी इतनी बड़ी चीज लाई की कम है के? नहीं नहीं मीनाक्षी, सबके लिए लेकर आई हूँ। लक्ष्मण जाओ जरा गाड़ी से सारे गिफ्ट्स ले आओ। हाँ, हाँ, अभी है। अरे हेलो, खुद ही ले आए। बाबा साहब ये आपके लिए। हमारे लिए? वो ये आपके लिए। हो दिया और बाकी हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।